नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SSC एग्जाम प्रिपरेशन में। आज के इस वीडियो में हम एलजेब्रा की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक को देखेंगे, जहां से कि अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपको इसकी ट्रिक पता नहीं है तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी वक्त चला जाएगा, और अगर ट्रिक पता है तो आप इसे मात्र 1 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसा कि आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर दिया हुआ रहे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देन हमसे पूछ रहा है ए प्लस सी बाई वी का वैल्यू क्या होगा। अब अगर आपको इसकी ट्रिक नहीं पता हो तो आप इसे सोचोगे कि अरे यार हम इसे सॉल्व कैसे करें, आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगा कि हम इसे ऐसा क्या करें कि हमारा सॉल्व हो जाए। शायद आप स्किप करके छोड़ दो, या फिर अगर आप इसे बनाने का भी ट्राई करो तो आपसे ये बन नहीं पाएगा। अगर बन भी गया तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम इसे देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं विथ ट्रिक। इसका सबसे अच्छा मेथड क्या होता है कि आप पुटिंग कर दो, वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू। आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? अब वैल्यू हम कौन सा पुट करें? अब हमारे पास दिमाग आता है 0 का 1 का। सबसे पहला दिमाग तो 0 1 इन सारे चीज़ों का जाता है। तो हम अगर 0 डालते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि सारा के वैल्यू 0 है, तो सारा का वैल्यू 0 भी अगर हम डालते हैं तो हमारा इक्वल हो रहा है। बट क्वेश्चन में देख रखे ए प्लस सी बाई वी है, तो 0 प्लस 0 बाई 0 ये तो हमारा इनफाइनाइट दे देगा, तो ये तो हमारा गलत हो गया। हमें इनफाइनाइट वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम कोई ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारा इनफाइनाइट भी ना दे। तो उसके लिए सबसे अच्छा हमारा क्या, हम 1 पुट करके देखते हैं। तो हमने देखा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया इक्वल टू हमारा हो गया ए बी। ए बी क्या होता है, तो 1 1 इंटू 1 हो गया, प्लस बी सी 1 इंटू 1 प्लस 1, तो हमारा 3 इक्वल टू 3 आसानी से आ गया। यानी कि ये हमारा सेटिस्फाइड कर दिया। अब अगर ये सेटिस्फाई कर गया, ये सेटिस्फाई अगर हमारा कर गया, तो ए प्लस सी बाई वी है, यानी 1 प्लस 1 बाई 1 कर दिया, तो 2y हमारा 1 हमारा कितना हो गया, तो 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देखा हम इसे ट्रिकी वे से कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके के वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन आपके एलजेब्रा के बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपके इस बार CGL में भी पूछे गए थे, CHSL में भी बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको इन सारे क्वेश्चन पर कमांड होने चाहिए। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड और भी 1-2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है इफ 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देन हमसे पूछ रहा है कौन सा रिलेशन हमारा सही होगा, ए इज़ नॉट, ये तीनों में से कोई इक्वल नहीं होगा, या ए और बी इक्वल होगा, या और सी नहीं इक्वल होगा। इस तरीके से आपकी कंडीशन आएगा। तो आपके दिमाग में 2 कंडीशन जाएंगे, ये दोनों तो आपके जाने वाले नहीं है कि एक इक्वल हो गया एक नहीं, अरे सारा तो सेम टाइप का है, तो ये दोनों नहीं जाएंगे। अब हमारे दिमाग में कंडीशन बच गए, कंडीशन ए एंड कंडीशन डी, इन दोनों में से क्या होगा। अब आप इसे सॉल्व करना शुरू करोगे, 3 ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर इन सारे का वैल्यू इन सारे का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके वैल्यू निकालोगे, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो हम क्यों ना इसमें भी वैल्यू पुट कर दें। अब हमारे पास फिर से दिमाग आ रहा है 0 एंड 1 का, तो इसमें आप 0 पुट करो या 1 पुट करो। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा तीनों का इक्वल हम वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं, अगर हम अलग अलग वैल्यू पुट करना चाहें तो। तो आप अलग अलग पुट करोगे तो ये आपका कहीं कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है साइड में ही 3 है, तो साइड में 3 है और इधर हमारा होल स्क्वायर है, यानी कि जब भी हमें वैल्यू पुट करना है तो 3 का मल्टीपल पुट करेंगे तब भी ही हमारा आने वाला है, या फिर तीनों इक्वल होगा तब भी ही हमारा ये सेटिस्फाई करेगा। आप चेक करके देख सकते हो, 3 इंटू 1 हमने रखा, 1 प्लस 1 प्लस 1, आपको सबसे पहले इस तरीके से वैल्यू पुट करके सेटिस्फाइड करके देखना है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर किया, तो ये हमारा हो गया 3 3 है कि 9, और ये 3 का होल स्क्वायर 9 आ गया, यानी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम अलग अलग वैल्यू पुट करते तो ये हमारा होता है या नहीं, या फिर आप इसमें सेम क्या कर सकते थे, सारे को आप कंडीशन के हिसाब से ए ए ए सारे को मान के देख लेते तो हमारा क्या होता है, या फिर आप इसे अलग मान के देख सकते हो। इसमें आप 2 भी मान के देखो, हो सकता है कि आपके वैल्यू सेम हो जाए। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर किया, तो 4 प्लस 2 का स्क्वायर किया तो 4 प्लस 4 इक्वल टू हमारे हो गए 2 प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 3 गुना 4 3 12 इक्वल टू हमारा हो गया 2 2 4 2 6 6 2 6 36 6 का स्क्वायर 36। तो ये भी हमारा सेम हो गया, यानी जब भी वैल्यू हम देख रहे हैं, कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, तो हमारा सेम वाला कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा वैल्यू पुटिंग का ही क्वेश्चन है, कह रहा है इफ ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 2, देन हमसे पूछ रहा है ए माइनस बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे सवाल होते हैं, हम इसमें 0 पुट करें या नहीं, नहीं, बिकॉज आप अगर 0 पुट कर दोगे तो ये हमारा नीचे ये आपका इनफाइनाइट देगा। तो हम 1 पुट करके देखें, अगर सेटिस्फाई कर दिए तो हाँ ठीक है। तो हमने ए और बी दोनों को हमने 1 पुट करके देखा, तो 1
प्लस वन इक्वल टू टू आ गया, तो नेक्स्ट वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। आपको इसमें क्या ध्यान देना था, हमारा इक्वल टू टू है और ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के जस्ट इन्वर्स है, तो ये हमारा तभी सेटिस्फाई होगा जब दोनों का वैल्यू इक्वल रखेंगे। दोनों का वैल्यू आप कुछ भी इक्वल रखोगे, टू बाई टू भी रखोगे तो टू माइनस टू इक्वल टू जीरो, मतलब जब भी रखना है तो आपको इक्वल वैल्यू रखना है ताकि इसका भी वैल्यू वन दे दे, इसका भी वैल्यू वन दे दे और टोटल मिला के टू आ जाए। तो ये थी आपकी आज की ट्रिक। आपको हमारी वीडियो कैसा लगा ये आप हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताइएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।